इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने कहा कि वे वैश्विक चीनी कीमतों को लेकर उत्साहित हैं। वर्मा ने एक प्राइवेट चैनल को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा कि वैश्विक चीनी की कीमतें फिर से 20 सेंट से आगे बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा, शुष्क मौसम की वजह से ब्राजील का उत्पादन शायद पिछले साल की तुलना में कम होने की संभावना है। थाईलैंड का उत्पादन अभी भी सामान्य नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि वैश्विक कीमतों में तेजी रहेगी। वर्मा के मुताबिक भारत में इस साल चीनी का अधिशेष उत्पादित हुआ है और वह निर्यात करने की स्थिति में भी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतें ऊंची बढ़ गई हैं और देश में अधिशेष उत्पादन बड़े सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा, भले ही 2 साल पहले 14.5 मिलियन टन के शुरुआती स्टॉक से घटकर अब लगभग 8.5 मिलियन टन हो गया है, वैश्विक बाजार में चीनी की कीमतें बहुत अच्छी हैं और इसलिए बिना सब्सिडी के भी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने की स्थिति में हैं और यह भारत के लिए बहुत बड़ी सकारात्मक बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।